Hello everyone. In the last session, we have discussed about the first part of the coal and petroleum. Last session में हमने क्या discuss कर लिया था कि coal, petroleum क्या होते हैं, fossil fuels होते हैं, fossil fuels कैसे obtain किए जाते हैं, what are the different types of resources we have discussed till now. In that session, in today's session, we are going to discuss about the fossil fuels. Fossil fuels क्या होते हैं? Basically हमने fossil fuels को तीन categories में डाला था. तीन तरह के fossil fuels देखे थे हमने. First one is coal. सेकेंड वन इज पेट्रोलियम एंड द थर्ड वन इज नेचुरल गैस. तीन तरह के हमारे फॉसिल फ्यूल्स हमें लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल थ्रीज एंड वन बाय वन. सबसे पहले हम कोल डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कोल. कोल क्या है हमारा? कोल बेसिकली कोल इज अ फॉसिल फ्यूल दैट इज ऑब्टेन्ड. कोल इट इज अ फॉसिल फ्यूल दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू the decay and burial of dead remains of plants. Plants के dead remains मतलब प्लांट्स के बनने के बाद उनके जो रिमेन्स बचते हैं उसके बरियल और डीके से जो हमारा बचता है, जो हमारा बनता है, दैट इज नोन एज कोल. लाइक कैसे बनता है? थाउजेंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हमने माना. क्या हुआ? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बिकॉज ऑफ वेदर चेंजिंग कंडीशंस, वेदर चेंज होते रहते हैं अलग अलग तरीके, बहुत सारे प्लांट्स डाई हो जाते हैं. वैसे भी नॉर्मली भी अगर हम देखें तो टू मेनी प्लांट्स डाई, सब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ साइकिल होता है, कभी ना कभी वो लाइफ साइकिल एंड होता है, प्लांट्स मरते हैं, नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स हमारे क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं. जिसके बाद क्या होता है? जिसके बाद हुआ ये, बहुत सारे प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स है वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया, डेड हो गया. कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्केनोज की वजह से या फिर अर्थक्वेक की वजह से, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी हमारे जो फॉरेस्ट है वो क्या हो जाते हैं? वो सब खत्म हो जाते हैं. खत्म होने के साथ साथ वो कहाँ? सैंड के नीचे, मिट्टी के नीचे, हमारे डाउन द अर्थ, अर्थ में नीचे कहीं क्या हो जाते हैं? बरे हो जाते हैं. सो जैसे ही हमारे जो डेड रिमेन्स हमारे वो सॉइल के नीचे जाते चले जाते हैं, सॉइल के नीचे बरे हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर हमारे अर्थ के सेंटर पे, अगर हम कोर में बात करें तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, एंड बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, वो जो हमारे प्लांट के डेड रिमेन्स बचे थे फॉरेस्ट के बर्न होने के बाद, जो हमारे पास डेड रिमेन्स बचे थे, वो डेड रिमेन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दोज डेड रिमेन्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कोल. सो बेसिकली यहाँ होता क्या है, वुड जो थी प्लांट्स की वो वुड किस में कन्वर्ट हो जाती है? कोल में कन्वर्ट हो जाती है. एंड द कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, हम क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, द प्रोसेस of conversion of wood into coal, wood का coal में conversion, वो process जिससे wood किस में convert हो जाती है? coal में convert हो जाती है, that process is known as carbonization. वो process हमारी क्या कहलाती है? carbonization कहलाती है. the process in which the wood gets converted into the coal. वुड का कोल में कन्वर्जन की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? कार्बनाइजेशन कहलाती है. एंड द टाइम पीरियड इट टेक्स टू डू दैट इज नोन एज कार्बनी फेरस एज. मतलब जितना भी वो टाइम पीरियड उस कन्वर्जन में लेती है, हमारी जो कोल है वो किस में कन्वर्ट होती है? वुड में. जिस टाइम पे भी, सॉरी, माना जो वुड है वो किस में कन्वर्ट होता है? कोल में कन्वर्ट होता है. सो जितना भी वो टाइम पीरियड लेती है, दैट आइदर इट इज अ मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स, जो भी हमारा वो टाइम पीरियड ले रही है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज कार्बनिफेरस एज. सो कार्बनाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल एंड कार्बनिफेरस एज, द टाइम इट टेक्स टू डू दैट इज नोन एज कार्बनिफेरस एज. सो दिस इज हाउ द कोल कन्वर्ट, हाउ वी गेट द कोल, वो सब चीजें हो गई. अब अगर हम कोल के कंपोजिशन की बात करें, सो बेसिकली जो कोल हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कोल है, वैसे तो वो कम्प्लीटली कार्बन का ही बना होता है,
मेजॉरिटी ऑफ द कोल में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है. बट अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो कंटेन्स, कोल की अगर हम बात करें कार्बन होगा उसमें, कार्बन प्रेजेंट होता है, उसके अलावा उसमें हाइड्रोजन भी मिलता है एंड नाइट्रोजन भी मिलता है. नाइट्रोजन के अलावा हमें उसमें सल्फर और ऑक्सीजन भी मिलते हैं. देयर आर दीज आर सम सब्सटेंसेस, सम एलिमेंट्स दैट वी फाउंड इन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द कोल. बट मेजर कॉम्पोनेंट क्या है उसका, दिस इज इट्स मेजर कॉम्पोनेंट. इसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पर कि कोई भी कोल कितना कार्बन कंटेन करता है, ऑन दैट बेसिस देयर आर थ्री वेराइटीज ऑफ कोल. फर्स्ट वन इज एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड द थर्ड वन इज लिग्नाइट. तीन तरह की वेराइटी हमें देखने को मिलती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड द थर्ड वन इज लिग्नाइट. किसके बेसिस पर, कार्बन की कॉम्पोजिशन के बेसिस पर कि कोई भी जो कोल है वो कितना कार्बन कंटेन करता है. इफ अ कोल कंटेन्स अबाउट 96% ऑफ द कार्बन देन दैट द वेराइटी ऑफ कोल इज नोन एज एंथ्रासाइट एंड इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. बेस्ट वेराइटी, बेस्ट क्वालिटी अगर बोल सकते हैं, बेस्ट वेराइटी इज अप्रोप्रिएट वर्ड, बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल. लेकिन अगर हमारा कोई भी कोल कितना कंटेन करता है, 65% कार्बन कंटेन करता है, अगर वो 65% कार्बन कंटेन कर रहा है तो वो कहलाएगा बिटुमिनस. एंड इफ इट कंटेन्स ओनली 38% ऑफ कार्बन देन इट इज लिग्नाइट. सो कार्बन के कॉम्पोजिशन के बेसिस पर हमने कोल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट वन एंथ्रासाइट, जिसमें 96% कोल प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, बिटुमिनस जिसमें 65% कार्बन है एंड लिग्नाइट जिसमें हमारा 38% कार्बन प्रेजेंट होता है. एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी, एंथ्रासाइट हमारा बेस्ट क्वालिटी होता है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 96% कार्बन प्रेजेंट होता है. इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं बहुत अच्छा फ्यूल. सो दिस इज हाउ दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कोल वी कैन से एंड दीज आर द थ्री वेराइटीज. इसके अलावा अगर हम देखें, हम बोलते हैं कि हम कोल को जब बर्न करते हैं वो कोल हीट एनर्जी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कैसे प्रोड्यूस करता है, हाउ इट प्रोड्यूसेस, लाइक हमने कम्बशन में पढ़ा था. कम्बशन में हमें क्या पढ़ा था कि किसी भी फ्यूल को जब बर्न किया जाता है, किसी भी कोल फ्यूल को जब हम हीट करते हैं, उसको फायर देते हैं, तो वो क्या करता है, वो हीट लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सेम कोल में भी होता है, कोल में होता क्या है, कार्बन. तो जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया जाता है तो वो CO2 को रिलीज करता है एंड CO2 को रिलीज करने के साथ साथ वो क्या प्रोडक्शन करता है, वो एनर्जी का प्रोडक्शन भी करता है. दिस एनर्जी इज यूज्ड एज इन वेरियस पर्पसेस, मतलब अलग अलग पर्पस में यूज करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज करते हैं. देर आर मेनी मैथड्स टू यूज दिस एनर्जी. सो क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ कम्बशन हुआ है. कम्बशन किसका होता है, कम्बशन होता है कोल के कम्बशन से लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है. व्हाट डज इट मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, होता कैसे है. एक्चुअल में कोल ना बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स कंटेन करता है, तो इसका क्या करते हैं, इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे, इसको 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सब्जेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पर छोड़ देते हैं. 1000 डिग्री सेल्सियस पर जब उसको रख दिया जाता है, उसको हीट अप किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है. क्या किया जाता है, इसको स्ट्रांगली जब हीट किया जाता है तो इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाता है. मतलब ये हमें चार तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. फर्स्ट वन इज कोक, सेकेंड वन इज कोल टार, या कोल गैस कह सकते हैं सेकेंड हम, थर्ड वन इज कोल टार एंड द फोर्थ वन इज अमोनियम कंपाउंड. एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है जब एक कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, मतलब उसको जब स्ट्रांगली 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, तो वो वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है. बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं. ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग एंड इनऑर्गेनिक जो कार्बन कंटेन नहीं करते. तो मेजरली ये तीन हमारे जो होते हैं, कोक, कोल गैस एंड कोल टार, ये कैसे होते हैं, कार्बन कंटेनिंग होते हैं, जबकि अमोनियम कंपाउंड्स कैसा होता है, कार्बन कंटेनिंग नहीं होता. दिस इज इनऑर्गेनिक.
तो जब कॉल का डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन करते हैं तो हमें ये चार यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। चारों की अपनी स्पेसिफिसिटी है। अगर हम कोक की बात करें, इट इज़ द रेजिड्यू। कोल को बर्न करने के बाद जो भी रेजिड्यू नीचे लेफ्ट आउट रह जाता है, लेफ्ट आउट मटीरियल, ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बचता है वो हमारा क्या होता है, कोक होता है। दिस इज प्योर कार्बन, ये हमारा प्योर कार्बन है, कम्प्लीटली कार्बन बेस्ड होता है, इसमें कुछ और नहीं होता। इट बर्न्स विद नो स्मोक, नो स्मोक। अगर इसको बर्न किया जाए किसी भी तरह का, स्मोक का प्रोडक्शन नहीं करता, बिकॉज इट इज अ प्योर कार्बन। तो बाकी कोई हमारे कंपोनेंट नहीं होता जो हमें स्मोक जनरेट करके दे या फिर कोई पॉइजनस गैस रिलीज करे। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है कोक। कोक है क्या, जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारा रेजिड्यू जो बचता है, नीचे जो बचता है, हमारा लेफ्ट आउट मटीरियल जो होता है, दैट इज नोन एज कोक। नेक्स्ट हमारा आता है कोल गैस। कोल गैस क्या है, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर है। गैसेस का मिक्सचर कैसे, ये हमारा क्या कंटेन करता है, मेजरली ये मिथेन कंटेन करता है, हाइड्रोजन कंटेन करता है, मिथेन हाइड्रोजन एंड अलॉन्ग विद दैट कार्बन मोनोऑक्साइड। हम स्टार्टिंग से चीज पढ़ते आते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। हम उसको अगर इनहेल करेंगे तो वो हमें सफोकेशन कोज करता है, समटाइम्स डेथ भी कोज कर देता है। सो कोल गैस क्या है, मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस, मिथेन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अलावा कुछ गैसेज और मिलती हैं। वैसे तो कोल गैस को पहले एज अ फ्यूल यूज करते थे, लाइटनिंग पर्पज के लिए, कुकिंग पर्पज के लिए यूज करते थे, बट क्योंकि हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ वेरी हेल्दी एंड फ्रेंडली गैस, इको फ्रेंडली गैस नहीं है, पॉइजनस होती है, पॉल्यूशन कॉज करती है, इसीलिए इट इज नॉट वाइडली यूज्ड। नाउअडेज वी डू नॉट यूज दैट मच दिस काइंड ऑफ गैस। तो दो कंपोनेंट, कोक एंड कोल गैस। कोक रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, कोल गैस कंबशन से जो गैस प्रोड्यूस होती है, सॉरी, कोल के बर्निंग से जो गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कोल गैस। मिथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसेस कंटेन करता है। इसको हम वाइडली अब यूज नहीं करते, ज्यादा पहले कुकिंग और लाइटनिंग पर्पज में यूज किया जाता था, बट अब इसको हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट वन इज कोल तार। कोल तार क्या है, एक्चुअली कोल तार इज अ विस्कस फ्लूइड, आप लोगों ने देखा भी होगा। कोल तार एक्चुअल में क्या होता है, ये फ्लूइड है, दिस इज विस्कस फ्लूइड विच इज यूज फॉर बिल्डिंग रोड्स, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में यूज करता है। किसमें, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में इसको यूज किया जाता है, रोड बनाने में इसको यूज किया जाता है, थिक विस्कस लिक्विड होता है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें बनाने में यूज करता है, लाइक पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज करता है, नैप्थलीन बॉल्स बनाने में यूज करता है, डाइज एंड पेंट्स बनाने में यूज करता है, सेवरल मेनी मोर मेथड। दो आजकल इसका भी ज्यादा कुछ खास यूज नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम आ चुका है, तो ये सब चीजें हम पेट्रोल से भी कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादातर ये भी यूज कम ही होता है। एंड द लास्ट वन इज अमोनियम कंपाउंड। कोक के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो कंपाउंड्स, अमोनियम कंपाउंड्स बनते हैं, ये अमोनियम कंपाउंड्स वाटर में डिजोल्व होने के बाद अमोनियम लिकर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, अमोनियम लिकर का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस अमोनियम लिकर इज यूज्ड टू फॉर्म द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। वो फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, मतलब वो फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, उनको बनाने के लिए अमोनियम लिकर का यूज किया जाता है। सो हमारे कोल के चार डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमें चार प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोक, कोल गैस, कोल तार, अमोनियम कंपाउंड। कोक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, रेजिड्यू जो बचता है बिना स्मोक के साथ बर्न होता है, कोई स्मोक प्रोडक्शन नहीं करता। कोल गैस मिथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन करती है, इसको हम ज्यादातर आजकल यूज नहीं करते हैं, पहले लाइटनिंग और कुकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता था। कोल तार की बात करें तो जैसे विस्कस फ्लूइड जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में, पेस्टिसाइड प्रोडक्शन में, नैप्थलीन बॉन्ड्स बनाने के लिए, डाइज एंड पेंट्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अमोनियम कंपाउंड्स एक्चुअली में वो कंपाउंड है जो कि वाटर में डिजोल्व होने के बाद अमोनियम लिकर का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस लिकर इज यूज टू मेक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कोल। कोल के बारे में पूरी डिटेल्स थी। कोल के अगर हम इंडिया में रिजर्व्स देखें तो कोल कहाँ कहाँ मिलता है हमें, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एंड मैनी मोर प्लेसेस इन इंडिया, देर आर कोल रिजर्व्स, कोल माइंस यहाँ पर मिलती हैं हमें, यहाँ से हम कोल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर सेकेंड फ्यूल विच इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, कैसे पेट्रोलियम ऑब्टेन किया जाता है, वो सब चीज़ें पड़ेंगी।
का मतलब होता है रॉक एंड दिस ओलियम मीन्स ऑयल. सो द ऑयल दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम रॉक, वो ऑयल जो कि रॉक्स से ऑब्टेन किया जाता है, रॉक्स के बीच में जहाँ बीच से कहीं से ऑब्टेन किया जाता है, वो हमारा कहलाता है पेट्रोलियम. इट इज मेड अप ऑफ कम्प्लीटली हाइड्रोकार्बन, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन से बना होता है. नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें बहुत सारे, मतलब नंबर यहाँ पर वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 25, मतलब 1 to 25 तक भी, उससे ऊपर भी नंबर ऑफ कार्बन वेरी कर सकते हैं. बहुत सारे कार्बन कंपाउंड से मिलकर ये बना होता है एंड इसको मेजरली एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. सबसे ज्यादा हम इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं. ये 3 तरह के ऑब्टेन करते हैं इसको, इससे हम केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल, दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स मेजर जो ज्यादा यूज किए जाते हैं एज अ फ्यूल, एज अ व्हीकल्स वगैरह में जो यूज करते हैं. बात आती है इसके ऑरिजिन की, बनता कैसे है. हमने जैसे कोल की बात की, कोल क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से बनता है. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, सी एनिमल्स स्पेशली. सी एनिमल्स के डेड रिमेन्स जो बनता है वो हमारा पेट्रोलियम कहलाता है. एक्चुअली हुआ क्या था, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो सी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट्स एंड स्पेशली एनिमल्स जो रहते हैं, वो क्या हुआ, वो हमारे डीप इनसाइड द अर्थ दब गए, वो बरेड हो गए. सेम वही उन पर टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए. वो तरीका, मतलब वहाँ हुआ क्या है, एक्चुअली वहाँ वही सेम चीज़ हुई है जो पहले कोल में हुआ था. बस डिफरेंस यह है कि यहाँ पर एनिमल के डिकम्पोजिशन से, एनिमल के बरियल से यहाँ पर हमारे किसका फॉर्मेशन होता है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है. इट ऑल्सो टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. ये भी हमारा बनने में कितने साल लगाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है. ठीक है, अकरेंस की बात करें अगर हम, अकरेंस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, दो हमने बात लास्ट में पढ़े थे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों हमें साथ में ही मिलते हैं. और जो सबसे पहला, ये इम्परवियस रॉक की डिगिंग से, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम इम्परवियस रॉक्स. इम्परवियस रॉक्स होती हैं वो रॉक जिनमें पोर्स नहीं होते, नो पोर्स, पोरस नहीं होती रॉक, मतलब पोर्स होते छोटे छोटे छेद होना, पोर होना, स्पेसेस होना, इनमें कोई पोर नहीं होता. जब उनको डिग आउट किया जाता है तो उनके डिगिंग से हम, उनके डिग में से हम क्या निकालते हैं, डिग करने के बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऑब्टेन करते हैं. सबसे पहला जो पेट्रोलियम रिजर्व पूरे वर्ल्ड में, ऑयल वेल जो बनाया गया था, फर्स्ट ऑयल वेल, दैट इज इन पेनिसिलेरिया, दिस इज इन यूएसए. एंड 1859 में फर्स्ट ऑयल रिजर्व बनाया गया था. उसके अलावा इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में मैकुम इन आसाम, आसाम में पहला ऑयल रिजर्व मिला था. उसके बाद तो बहुत सारे मिलते चले गए, बहुत सारे ऑयल रिजर्व होते हैं, लाइक हमारे गोदावरी और कावरी के डेल्टा, रिवर डेल्टास पे भी बने हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं, सॉरी मध्य प्रदेश, बॉम्बे में, गुजरात, बॉम्बे हाई में, गुजरात में, आसाम में, देर आर मेनी प्लेसेज वेयर यू कैन फाउंड द ऑयल वेल्स, पेट्रोलियम जहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं. एंड सेकेंड थिंग, इम्पॉर्टेंट चीज है, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. दिस इज ब्लैक गोल्ड, एक्चुअली जो मिलता है ना, जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लैक कलर का लिक्विड होता है. एंड ये जो ब्लैक कलर का लिक्विड है, इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, मतलब हम वाइडली हर प्लेसेस पे इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ब्लैक गोल्ड. ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कोल का डेस्टिनेशन किया था, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ किया जाता है, क्या यहाँ पर भी इससे कुछ नए प्रोडक्शन किए जाते हैं? यस, बिल्कुल. वहाँ हमने उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था, यहाँ पर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है. पेट्रोलियम का क्या किया जाता है? पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑयल. अच्छा, ऐसा क्यों है, यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों करता है? एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स में एज द नंबर ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीजेस, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. लाइक मेरे पास एक CH4 है, एक मेरे पास C12H26, अगर मेरे पास कोई कम, दो हाइड्रोकार्बन्स, एक ये है, एक ये है. यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 12 है, तो
तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इस बेसिस पर अलग अलग फ्रैक्शंस में पेट्रोलियम से अलग अलग सब्सटेंसेस ऑब्टेन किए जाते हैं। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जो हमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस जो मिलते हैं उनको कहा जाता है फ्रैक्शन। और वो प्रोसेस जिससे हम इस तरह के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कैरी आउट करते हैं, पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं, उसको कहा जाता है रिफाइनिंग। इस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पर अलग अलग फ्रैक्शन ऑब्टेन करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है एक, इफ यू सी इन दिस बुक, ये फ्रैक्शनेटिंग टावर है, दिस वन, दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग टावर। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ से पेट्रोलियम पास कराया जाता है, इधर से फर्नेस होता है, फर्नेस को यूज करके, दिस इज फर्नेस, इस फर्नेस से पेट्रोलियम पास कराया जाता है, इसको हीटअप किया जाता है, आई थिंक अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया जाता है। हीट करते हैं, जब हम हीट करते करते जब हमारा जो गैसेज रिलीज होती हैं, वो गैसेज जब हम यहाँ पहुँचती हैं, तो वो गैस जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वो हमारी बॉटम में कहीं कंडेंस हो जाती हैं, यहाँ पर नीचे कंडेंस हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाली गैसेस भी अलग अलग फ्रैक्शन में, देखो आप एक फ्रैक्शन यहाँ पर देख रहे हो, फ्रैक्शन यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर, अलग अलग फ्रैक्शन में ऑब्टेन कर लिए जाते हैं। एंड वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हमारे कार्बन 1-4 होते हैं, वो गैस एस्केप कर जाती है, मतलब वो इस टावर से बाहर निकल जाती है। इफ़ यू कैन सी, ये जो टावर है वो इस टावर से हमारी कुछ गैस है, ये जो गैस है वो हमारी इस टावर के थ्रू, इस टावर के थ्रू हमारी वो गैस बाहर रिलीज हो जाती है। हुआ क्या, हमने जब इस फर्नेस में इस पेट्रोलियम को बर्न किया, तो सबसे पहले वो गैस जो कि हमारी हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली होती है, वो नीचे कंडेंस होगी, फिर उसके बाद हमारा वो ऊपर जाएगा, ऊपर जैसे जैसे गैस जाएगी लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाली कंडेंस हो जाएगी, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो और लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाली, तो हमें अलग अलग फ्रैक्शन मिल जाते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ से हमें क्या ऑप्टेन होता है, दिस इज हैवी ऑयल, यहाँ से हमें हैवी ऑयल ऑप्टेन होता है, फिर हम ऊपर जाएं हमें नेक्स्ट फ्रैक्शन में लाइट ऑयल ऑप्टेन होता है, फिर नेक्स्ट में हमें कैरोसिन ऑप्टेन होता है, फिर हमें गैसोलाइन ऑप्टेन होता है, एंड देन वी ऑप्टेन पेट्रोलियम गैस। अलग अलग फ्रैक्शन में हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम टेक्स प्लेस। अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे हमें सबसे पहले क्या मिला, सबसे पहले हमें मिलते हैं हैवी ऑयल, हैवी ऑयल को यूज किया जाता है, हैवी ऑयल के बहुत सारे यूजेस होते हैं, देन लाइट ऑयल ऑब्टेन होता है, लाइट ऑयल के बाद हमें फिर केरोसिन मिलता है, हैवी ऑयल, लाइट ऑयल एंड देन केरोसिन, केरोसिन के बाद हमें क्या मिलता है, गैसोलाइन, सॉरी गैसोलाइन पहले मिलता है, केरोसिन, देन गैसोलाइन एंड देन पेट्रोलियम गैस। ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, जिनको अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, किसी को एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज किया जाता है मशीनरीज को लुब्रिकेट करने के लिए, कुछ पेट्रोलियम गैस अगर हम बात करें एलपीजी के फॉर्म में यूज की जाती है, किचन में हम जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें एलपीजी फिल होती है, केरोसिन की बात करें तो ऐसा फ्यूल यूज किया जाता है, गैसोलाइन से सीएनजी ऑब्टेन की जाती है, इसको सीएनजी के फॉर्म में भी, सॉरी सीएनजी नहीं, सीएनजी तो नेचुरल गैस के फॉर्म में होती है, गैसोलाइन को व्हीकल्स वगैरह में यूज करते हैं, हैवी ऑयल, लाइट ऑयल, सबका अपना अपना एक यूज होता है, पर्टिकुलर फिक्स यूजेज है और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके सबके, ठीक है। सो दिस इज द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का अगर हम यूज देखें तो वाइडली एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, बट उसको जैसे मैंने पहले कहा था कि हम कोल तार को पेंट्स डाइज बनाने में यूज करते हैं, लेकिन अब पेट्रोलियम यूज करने लगे हैं तो उसको पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, इन सब चीजों के लिए भी यूज किया जाता है। सो दिस इज द सेकेंड फॉसिल फ्यूल विच इज पेट्रोलियम, फर्स्ट हमारा कौन सा था, कोल वाला, सेकेंड वन इज पेट्रोलियम, नाउ द थर्ड वन इज नेचुरल गैस, थर्ड हमारा कौन सा आता है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो हमें ऑब्टेन होती है वो पेट्रोलियम के साथ ही ऑब्टेन होती है, पेट्रोलियम के ऊपर गैसेस जो ट्रैप हो जाती हैं हमारी, जो रॉक्स के बीच में गैसेस ट्रैप होती हैं, उन गैसेस को नेचुरल गैस कहा जाता है। चीफली इसमें हमारी कौन सी होती है, नेचुरल गैस में अगर हम सबसे मेन गैस जो देखें वो हमारी उसमें होती है मिथेन, उसके हमारा अलावा हमारे उसमें कुछ अमाउंट में ब्यूटेन और प्रोपेन भी मिलती है, जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, इजीली कलेक्ट कर सकते हैं और पाइप्स के थ्रू घरों में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, होम्स में
ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको एज अ सीएनजी भी फिल किया जाता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जब उसको हाई प्रेशर पर हम फिल कर देते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करते हैं हाई प्रेशर पर, जब गैस को कंटेनर्स में फिल करके सप्लाई करते हैं। सीएनजी हमें पता है आजकल व्हीकल्स में भी यूज होती है, इट इज अ पॉल्यूशन फ्री, नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन कोज नहीं करती हमारी, इसीलिए इसको वाइडली यूज किया जाता है। त्रिपुरा, राजस्थान, दीज आर सम प्लेसेस वेयर फ्रॉम वेयर वी कैन। इसके अलावा कावेरी एंड गोदावरी रिवर के जो डेल्टा होते हैं वहां से भी हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। दीज आर सम प्लेसेस फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन दीज नेचुरल गैसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट आर थ्री फॉसिल फ्यूल्स, तीन फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। लास्ट हमारा इसमें कुछ टॉपिक बचते हैं छोटे छोटे। सबसे पहली बात आती है एनर्जी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। वी ऑल नो सब हैंड इन हैंड जाता है, दीज ऑल थिंग एवरीथिंग आर रिलेटेड। हमें पता है हमारी टेक्नोलॉजिकल नीड्स आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई हैं, हमारी एनर्जी की नीड भी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। लाइक अगर हम बात करें, हम अभी करंट सिचुएशन की बात करते हैं, हम पहले अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, इंटरनेट पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हुआ क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, हर एक चीज़ हमारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, हमारी टेक्नोलॉजिकल नीड्स बढ़ने लगी, साथ में हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम अपने घरों में अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हो, हमारे टेलीविजन हो, या फिर हमारे लैपटॉप्स, हमारे सिस्टम्स जो होते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स, ईच एंड एवरीथिंग, इवन किचन में भी अगर हमको मटेरियल यूज़ करते हैं, हर जगह हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, मिक्सर्स रन करने हो, इवन इंडक्शन हमें रन करने हो, सो हम इलेक्ट्रिकल डिपेंडेंट हैं। हम किससे कैसे डिपेंडेंट हैं, एनर्जी डिपेंडेंट हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता जा रहा है, हमारी एनर्जी नीड्स इंक्रीज होती चली जा रही है, इंक्रीज है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से भी बोल सकते हैं एनर्जी नीड्स डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। देर आर मेनी मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ दैट हमारा कंजप्शन बहुत इंक्रीज हो रहा है। अगर हम वो कुछ सर्टेन एरियाज देखें जहाँ एनर्जी कंजप्शन बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर में बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज होती है, ट्यूबवेल्स रन करने के लिए बहुत सारे ऐसे मशीन यूज होती है जिनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। हमारे होम्स में, हम घरों में बात कर ही चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग में भी, फूड को स्टोर करने में भी देर आर मेनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें होती है। अब बात आती है अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी नीड हमारी इंक्रीज हो रही है, व्हाट हैपन इफ क्राइसिस टेक्स प्लेस, अगर क्राइसिस हो जाए, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से एग्जाम्पल लें, हमारी कंट्री में लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी नीड है, लेकिन क्या उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाती है, क्या प्रोडक्शन उस लेवल का है जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके, नो। हमारी कंट्री में, इंडिया में उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती जो कि हमारे नीड्स को फुलफिल कर सके, इसीलिए क्राइसिस का होना बहुत चांसेस है। इसीलिए हमारे यहाँ पावर कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाएँ तो हमें वहाँ पावर कट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पावर कट्स बहुत रेयर चीज़ें हैं, हमें इवन फर्क भी नहीं पड़ता अब तो पावर कट होने का, ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ दैट। लेकिन पावर कट की वजह से होता भी बहुत कुछ है, लाइक अगर हॉस्पिटल्स में अगर कोई ऑपरेशन रन हो रहा है तो वो बेचारा वो स्टॉप हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी स्टॉप हो सकती है। सो इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। स्टॉप वेस्टिंग, नो वेस्टिंग, अगर हमारा कोई फैन, कोई लाइट ऐसे ही वेस्टेज में ओपन है तो मेक श्योर ऑफ दैट कि हम उसको ध्यान रखें, हम उसको ऑफ करें टाइम पर, हम टर्न ऑफ कर दें। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो एनर्जी कंजप्शन कम करती हो। आजकल जो LED बल्ब आते हैं, जो CFL आती हैं, दीज आर लेस एनर्जी कंजप्शन, उनका एनर्जी कंजप्शन बहुत कम होता है, इसीलिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो उसके अलावा एडवांटेजेस भी हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, CFLs, LED बल्ब यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम कर सकते हैं क्या, हम पब्लिक व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, रेदर देन प्राइवेट व्हीकल्स वी कैन यूज़ पब्लिक व्हीकल्स, जहाँ एक पब्लिक व्हीकल में नंबर ऑफ पीपल कैन ट्रैवल, जब वहीं उस दूसरी प्लेस पे अगर हम देखें प्राइवेट व्हीकल में फ्यूल उतना ही जाता है लेकिन नंबर ऑफ पर्सन क्या है हमारे कम है, वहाँ हम फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं। मैनी मोर मेथड्स आर देयर बाय विच वी कैन प्रिवेंट आर एनर्जी क्राइसिस। द लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल।
कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. हम कंजर्वेशन स्टार्टिंग में ही पढ़ के आए थे. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे फ्यूल्स को हमें कंजर्व करना है, फ्यूचर नीड्स के लिए कंजर्व करना है. हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, या फिर हम भी अगर हम अपनी करंट की भी बात करें, हमें वाइजली चीज़ें यूज करनी है ताकि वो डिप्लीट ना हो, खत्म ना हो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में बहुत टाइम लगता है. इसलिए उनका डिप्लीट होने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी. वी विल नॉट बी एबल टू गेट दैम अगेन. ओके, ऐसे हमें सब्सटेंस यूज करने चाहिए जो हमारे इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जो हमारे जैसे लाइक बायोगैस. बायोगैस वाइडली यूज होती है आजकल, बहुत अच्छा एक उसका इम्पैक्ट है. मतलब उससे अच्छा खासा फ्यूल ऑब्टेन हो सकता है एंड दिस इज इको फ्रेंडली ऑल्सो. उसके अलावा भी और हमारे बहुत सारी ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं अपने फॉसिल फ्यूल्स. सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम हमने पढ़ा कि कैसे ऑब्टेन होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज, हमने सब पढ़ा. आई होप यू गेट द सेशन. दोनों पार्ट में मैंने चैप्टर पर अभी हमारा आज कंप्लीट हो गया है. प्लीज रीड द बुक केयरफुली एंड यू कैन आस्क इफ देयर इज एनी डाउट. थैंक यू सो मच.